वेलकम बैक टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, मीन्स जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब जीएसटी नंबर जो आपका 15 डिजिट का होता है, 15 कैरेक्टर का होता है, 15 अक्षर का होता है, उसके शुरू के 2 लेटर, उसके बाद के 10 लेटर जो आपका पैन नंबर होता है, उसके बाद का एक पहला नंबर, उसके बाद का लास्ट जीएसटी नंबर के लास्ट के डिजिट, उन दोनों का क्या क्या मतलब ये जानना। उसके बाद जीएसटी स्टेट कोड लिस्ट ऑफ इंडिया, आप इनवॉइस प्रिपेयर जब करते हैं या बिल ऑफ सप्लाई या फिर ईवे बिल जनरेट करते समय या फिर चालान जनरेट करते समय आपको स्टेट कोड की ज़रूरत होती है ना, 01234 से लेकर 37 है ना। तो आप फटाफट आज यही जानने वाले हैं, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोज। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नो द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, दोस्तों इस तरह से 15 नंबर का जीएसटी नंबर होता है, 15 लेटर कैरेक्टर डिजिट आप जो कहें, शुरू के 2 स्टेट कोड होते हैं, नेक्स्ट 10 पैन नंबर, नेक्स्ट 1 उसके बाद जो पहला डिजिट है वो 1234 होगा। इसका मतलब क्या होता है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट, एक स्टेट में आपके पैन पे कितना जीएसटी नंबर इशू हुआ है ना। आप जानते हैं अलग अलग बिजनेस वर्टिकल के लिए आप अलग अलग जीएसटी नंबर ले सकते हैं विद इन स्टेट। तो अगर आपने एक बिजनेस के लिए एक जीएसटी नंबर लिया, दूसरे बिजनेस के लिए दूसरा जीएसटी नंबर लिया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 2 है ना। ये अगर पहला है तो दूसरे पे 2 दिखेगा, तीसरे पे 3 दिखेगा। इस तरह से आपका ये डिजिट, ये यहाँ पर ये अंक चेंज होता रहेगा, 1 2 3 जैसा। अगर आपने एक ही जीएसटी नंबर लिया तो यहाँ सिर्फ 1 दिखेगा। उसके बाद जो कैरेक्टर होता है अल्फाबेट जेड बाय डिफॉल्ट, ये हमेशा जेड बाय डिफॉल्ट डाल दिया जाता है। उसके बाद लास्ट अंक में होता है, लास्ट का जो कैरेक्टर है, जो डिजिट है, जो नंबर है, वो अंक में ही आपको दिखेगा। ये देखें चेक सम डिजिट, ये कुछ चेक लगाते हैं है ना, वो उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब आपको 3 से है, पहला स्टेट कोड, सेकंड 10 पैन, देन 1 एंटिटी नंबर। नेक्स्ट अब आते हैं इनके स्टेट कोड, स्टेट कोड लिस्ट। आइए, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस टू नो अबाउट द जीएसटी स्टेट कोड लिस्ट। जानते हैं आप इनवॉइस के समय, ईवे बिल के समय, बिल ऑफ सप्लाई के समय, चालान जनरेट करते समय, विच इज फ्रॉम द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ जीएसटी। तो अभी आपने देखा जीएसटी नंबर के पहले 2 डिजिट वो स्टेट कोड होते हैं। द स्टेट कोड लिस्ट अंडर जीएसटी इज एज फॉलो। अब आप जानते हैं कि जीएसटी नंबर है तो आप तो इजीली पता कर लेंगे कि जो जीएसटी नंबर है उसका पहले का 2 अक्षर है ना जो अंक में होगा वो जीएसटी है, जीएसटी का नंबर है। लेकिन कई सारे बायर आपके ऐसे होते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है,
तो आप कैसे मालूम करेंगे? इनवॉइस इशू करते समय आइए देखते हैं। पहला जीरो वन जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा जीरो टू हिमाचल प्रदेश, तीसरा जीरो थ्री पंजाब, जीरो फोर चंडीगढ़, जीरो फाइव उत्तराखंड, जीरो सिक्स हरियाणा, जीरो सेवन दिल्ली, जीरो एट राजस्थान, जीरो नाइन उत्तर प्रदेश, टेन बिहार, एलेवन सिक्किम, ट्वेल्व अरुणाचल प्रदेश, थर्टीन नागालैंड, फोर्टीन मणिपुर, फिफ्टीन मिजोरम, सिक्सटीन त्रिपुरा, सेवेंटीन मेघालय, एटीन असम। अच्छा दोस्तों, मैं तो इंग्लिश में बोलता गया, हिंदी में अब मैं बोलूँगा। नाइनटीन उन्नीस वेस्ट बंगाल, ट्वेंटी बीस झारखंड, ट्वेंटी वन इक्कीस उड़ीसा, ट्वेंटी टू बाईस छत्तीसगढ़, ट्वेंटी थ्री तेईस मध्य प्रदेश, ट्वेंटी फोर चौबीस गुजरात, ट्वेंटी फाइव पच्चीस दमन एंड दीव, ट्वेंटी सिक्स छब्बीस दादरा एंड नगर हवेली, ट्वेंटी सेवन सत्ताईस महाराष्ट्र, ट्वेंटी एट अट्ठाईस आंध्र प्रदेश, जो पहले भी था अभी भी वही आंध्र प्रदेश है ना, लेकिन नहीं, जो पुराना आंध्र प्रदेश था उसके लिए 28 है, नए आंध्र प्रदेश का कोड चेंज हो गया 37 है ना। ये देखते हैं 29 29 कर्नाटका, 30 30 गोवा, 31 लक्षद्वीप, 32 32 केरला, 33 33 तमिलनाडु, 34 34 पुडुचेरी, 35 35 अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, 36 तेलंगाना जो नया स्टेट बना था, 36 36 और 37 37 जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना टूटने के बाद, तेलंगाना अलग होने के बाद जो उनका स्टेट कोड बना है वो 37। तो अभी आप जब भी डालेंगे आंध्र प्रदेश में अब 37 डालेंगे, ना कि 28 डालेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका जीएसटी स्टेट कोड लिस्ट, एंड जीएसटी नंबर में जो लिखे हुए 15 डिजिट हैं, 15 करेक्टर हैं, उनके क्या मतलब है, नंबर्स हैं उनके क्या मतलब है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम की रही होगी। अगर पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन दबाना है ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।